What if Tanjiro was Tanjiro's mother? Wait, ये कैसा क्वेश्चन है? Tanjiro खुद की मम्मी होता? कुछ ऐसे ही क्वेश्चन तुम लोग मुझसे पूछते हो कि what if Muzan was a demon slayer? अरे भाई जब वो demon slayer होता तो मारते किसको? कद्दू को? But आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ what if Nezuko was a demon slayer? जो possible है and जिसके तीन different outcomes हैं, माने तीन theories जिसमें शायद Nezuko demon slayer बनती है। क्या demon slayer बनने के बाद Nezuko Tanjiro जितनी strong रहेगी? और अगर Nezuko demon slayer बनेगी तो Tanjiro का क्या होगा? और सबसे important चीज, क्या Nezuko के demon slayer बनने के बाद ये स्टोरी कंप्लीट भी हो पाएगी? क्या ये एंड में जाके Muzan को हरा पाएंगे? बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो चालू करते हैं और इस वीडियो को लाइक भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि अपने 10K होने वाले हैं गाइस। थ्योरी नंबर 1, जिसके अंदर Nezuko Tanjiro की जगह कोयला लेने जाएगी और Muzan को Nezuko की जगह घर में Tanjiro मिलेगा और वो Tanjiro के साथ पूरी फैमिली को डीमन में कन्वर्ट करके चला जाएगा, जिसमें से सिर्फ Tanjiro सर्वाइव कर पाएगा आगे जाके। जिसके बाद जब Nezuko आएगी वो Tanjiro को देख के डर जाएगी, वो अपनी पूरी फैमिली को मरा हुआ देखकर पागल सी हो जाएगी, पर वो Tanjiro को जिंदा देखकर खुश होगी कि एटलीस्ट कोई तो जिंदा है, और वो Tanjiro को लेकर एक डॉक्टर की तरफ पक्का भागेगी जहां रास्ते में उन्हें मिलेगा Giyu। अब ट्विस्ट तो यहां आता है। अब क्या तुम्हें लगता है इस तरीके से Tanjiro ने Nezuko को Giyu के अगेंस्ट बचाया था मेन स्टोरी लाइन में, उसी तरीके से Nezuko Tanjiro को बचा पाएगी Giyu के अगेंस्ट? वो सोचना तुम्हारा काम है, पर इस थ्योरी के अंदर Giyu पक्का Tanjiro को मार देगा क्योंकि Nezuko उम्र में भी छोटी है और वो Tanjiro जितनी स्ट्रांग भी नहीं। जिसके बाद Nezuko को जब पता लगेगा कि इन सब चीजों के पीछे Muzan है तो वो पक्का डेमन स्लेयर बनने के लिए तैयारी करेगी, जहां वो Giyu से ट्रेनिंग लेगी और एक वाटर हाशिरा बनने के लिए ट्रेन होगी। बट ये स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा वीक हाशिरा से भरी होगी। इतना भी स्ट्रगल कर ले, स्पाइडर डीमन को हरा ले, कितनों को भी हराने के बाद पर Mugan ट्रेन के अंदर पहुंचते एनमू के टाइम पे Nezuko को बचाने वाला कोई नहीं होगा। जिस प्रकार Tanjiro को बचाने के लिए Nezuko थी, पर Nezuko को कौन ही बचाएगा? इस वजह से इस टाइमलाइन में भी Rengoku को कोई नहीं बचा पाएगा, और जिसके बाद एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में साउंड हशिरा को भी पॉइजन से बचाने वाला कोई नहीं होगा। मतलब Nezuko तो Mugan ट्रेन में ही खत्म हो जाएगी, पर आगे जाके Zenitsu और Inosuke भी नहीं बचने वाले एंटरटेनमेंट आर्क में। मतलब एंडिंग तो तुम्हें साफ ही दिख रही होगी। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं थ्योरी नंबर 2 की तरफ। नहीं, जो मैं तुम्हें थ्योरी नंबर 3 के बाद बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो थ्योरी नंबर 3 कहती है कि जब Nezuko Tanjiro को प्रोटेक्ट कर रही होगी Giyu से, तो Giyu भी थोड़ा फाइट बैक कर रहा होगा, जिसे देखकर Tanjiro को होश आ जाएगा और वो Nezuko को बचाने की तरफ भागेगा, जहां Giyu को लगेगा कि ये तो उसको खाने के लिए भाग रहा है, बट वो शॉक हो जाएगा ये देखकर कि भाई ये तो है, ये माइला, ये क्या हो गया, ये तो डीमन का इंसान निकला। जिसके बाद की स्टोरी तो तुम जानते ही हो 90% कि वही यार Tanjiro और Nezuko को लेकर Giyu जाएगा। इस बार Urukodaki Tanjiro की जगह Nezuko को अपना स्टूडेंट बनाएगा और उसे ट्रेनिंग देगा, और वहीं दूसरी तरफ Tanjiro सो के अपनी शक्तियां वापस लाने की कोशिश करेगा। जिसके बाद Nezuko और Tanjiro जाएंगे माउंट सागिरी वाले टेंपल पे, जहां वो फिर से उसी डीमन से मिलेंगे जो रियल टाइमलाइन में मिला था, जिसे Tanjiro ने जला के मारा था। बट जैसा कि हम जानते हैं इस टाइमलाइन में Nezuko काफी वीक है और कुछ Tanjiro से एज में भी छोटी है, बट उसी तरफ Tanjiro एज अ डीमन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है Nezuko एज अ डीमन से, तो वो उस डीमन को अकेले ही हरा देगा, जिसे देखकर Urukodaki बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा कि भाई ये कैसा डीमन जो डीमन्स को मारने की चाह रखता है, ओ ला ला। जिसके बाद Urukodaki Nezuko और Tanjiro दोनों को सिखाएगा, जहां की Nezuko वाटर ब्रीथिंग सीख जाएगी पर Tanjiro नहीं सीख पाएगा, बस वो शॉर्ट चलाना सीखेगा। जिसके बाद Nezuko फाइनल प्रोसेस आर्क को भी कंप्लीट कर लेगी। इसके बाद Nezuko का डीमन स्लेयर बनने का सफर चालू हो जाएगा और वो लोग निकलेंगे अपने सेकंड स्टेप के ऊपर, ड्रम डीमन को हराने जाएंगे वो लोग, जहां उन्हें Zenitsu और Inosuke मिलेंगे। Zenitsu obviously Nezuko को देखकर फ्लैटर हो जाएगा और वो Nezuko पे ट्राई मारेगा, बट हमारी क्यूट Nezuko उसे फ्रेंड जोन कर देगी, जैसा कि तुम्हारी क्रश ने किया था तुम्हें। मतलब हाँ मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ ऐसा ही कुछ होने वाला है। जिसके बाद इनकी जर्नी वही सेम रहेगी, वो आगे बढ़ेंगे, बट इस जर्नी में थोड़ा सा चेंज है। जहां Nezuko और Tanjiro जब टोक्यो जाते हैं तो इस बार भी Tanjiro को Muzan की स्मेल आएगी, पर Tanjiro इस बार डेमन रहेगा। तो जिस समय पर Tanjiro और Nezuko
अरेस्ट करने के लिए बैठेंगे, तांजीरो उठकर भागने लगेगा। नेजुको उसका पीछा करेगी कि ऐसा क्या हुआ जो तांजीरो भाग रहा है, क्योंकि तांजीरो को उस ब्लड की स्मेल आ रही होगी जिस ब्लड की वजह से वो डीमन बना और उसके फैमिली वाले मारे गए। वो जाकर पीछे से मुजान के लिए हाथ तो रखेगा बट आसपास इतने सारे इंसानों को देखकर रुक जाएगा, जिसके बाद वही सब होने वाला है। मुजान एक आदमी को डीमन बना देगा, तमायो आकर उन्हें बचाएगी और फिर वही स्टोरी जहां इस बार नेजुको कुछ डीमंस का ब्लड तमायो तक पहुंचाएगी, जिसके बाद ये उल्टे भाई बहन पहुंचेंगे स्पाइडर डीमन से फाइट करने, जहां बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। जिस जगह पे तांजीरो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर था, नेजुको उसके कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी। वो स्पाइडर डीमन से लड़ने का ट्राई तो करेगी पर वो इतना जोर से नहीं लड़ पाएगी। जिस पॉइंट पर तांजीरो को जब स्पाइडर डीमन ने पकड़ रखा होगा और वो अपनी बहन की लाइफ को खतरे में देखेगा, तो उससे अपने फ्लैशबैक्स आएंगे, वो मेमोरीज जो उसके डैड ने उसे दी थी इनोकागुरा डांस के बारे में, जिन मेमोरीज के साथ साथ तांजीरो अनलॉक करेगा अपना ब्लड डीमन आर्ट, जो नेजुको के ब्लड आर्ट जैसा ही होगा बट वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। नेजुको का ब्लड आर्ट पॉइजंस वगैरह को कम करता था, डीमंस को जलाता था। तांजीरो का ब्लड डीमन आर्ट विल बी ऑल अबाउट डिस्ट्रॉइंग थिंग्स, माने उसके कॉन्टैक्ट में जो चीज आएगी वो समझो खत्म, राख राख। जहां दोनों भाई बहन मिलकर स्पाइडर डीमंस को गियू और शिनोबू के आने से पहले ही खत्म कर देंगे। इसके बाद स्टोरी वही नॉर्मल पेस ले लेगी, जहां फिर से हाशिरा मीटिंग होगी, तांजीरो में चाकू फंसाए जाएंगे इस बार, पर नेजुको इतना कुछ कर नहीं पाएगी, पर दोनों भाई बहनों को एक मौका दे दिया जाएगा, जिसके बाद तांजीरो पक्का अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को सुधारेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि उसके ब्लड डीमन आर्ट और स्वॉर्ड्स को मिलाकर वो काफी ज्यादा अच्छा कुछ कर सकता है। जिस प्रकार नेजुको रियल टाइमलाइन में तांजीरो की स्वॉर्ड को फ्लेम्स दे देती थी, उसी प्रकार तांजीरो अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज करके अपनी स्वॉर्ड पर फ्लेम्स ला सकता है। टेक्निकली वो सन ब्रीदिंग नहीं सीखेगा बट वो सन ब्रीदिंग का एक रिप्लेसेबल डीमन फॉर्म ले आएगा, एंड जिसे हम कह लेंगे डिस्ट्रक्टिव सन ब्रीदिंग। जिसके बाद आएगा मुगान ट्रेन इवेंट, जहां इस बार फिर से वही सेम चीजें होंगी बट इस बार दोनों भाई बहन मिलकर सब चीजें करेंगे। यहां इवेंट आएगा अकाजा वर्सेस रेनगोकू, जो फाइट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, बट एज अ डीमन तांजीरो बहुत सारा बेसहारा फील कर रहा होगा कि वो रेनगोकू की मदद क्यों नहीं कर पा रहा, जिस चीज में इस बार तांजीरो रुकेगा नहीं। एज अ डीमन तांजीरो भी अपनी स्वॉर्ड उठाएगा और अकाजा से लड़ने जाएगा, और अकाजा शॉक हो जाएगा कि उसकी जो हीलिंग है वो तांजीरो के अटैक्स पे काफी कम काम कर रही है और मोस्ट प्रोबेबली काम ही नहीं कर पा रही है। जिसके बाद जैसा मैंने तुम्हें डीमन तांजीरो वाले वीडियो में बताया था, वो दोनों मिलकर भी अकाजा के लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, बट इस पॉइंट पर नेजुको अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करेगी। वो इतने पावरफुल हैं कि वो अकाजा को सनराइज तक रोक लेंगे, जहां तांजीरो अपनी लाइफ रिस्क कर अकाजा को रोकेगा सनलाइट में, जिस चीज को देख के रेनगोकू भी शॉक हो जाएगा क्योंकि तांजीरो मर सकता है। यहां तांजीरो रेनगोकू को लास्ट वर्ड्स कहेगा कि नेजुको का ख्याल रखना, बट इस बार सनराइज पर सिर्फ अकाजा जलेगा, तांजीरो भी जलना स्टार्ट होगा बट कुछ टाइम बाद वो नहीं जलेगा। हाँ, सबको पता लगेगा कि तांजीरो ने सन को कॉन्कर कर लिया है, जिस पॉइंट पर मुजान को भी ये बात पता लग जाएगी, जिसका मतलब है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क तो स्किप हो गया, क्योंकि डीमन स्लेयर मार्क के पता होने की वजह से ये सारे लोग चालू करेंगे हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जहां सारे हाशिरास डीमन स्लेयर ऑब्टेन करने के लिए ट्रेनिंग करेंगे, और दूसरी तरफ हमारा तांजीरो जो अब सन को कर सकता है वो अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को बेटर करेगा, वो हिनोकागुरा डांस को पूरा परफेक्ट करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि यार कोई तो रीजन होगा इस मेमोरी का। डीमन होने की वजह से हमारा डीमन तांजीरो उस चीज को बहुत जल्दी मास्टर कर लेगा, मतलब वो हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन वाले तांजीरो से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होगा। जिसके बाद स्टोरी वही होगी, मुजान काग्या को मारने आएगा, काग्या फट जाएगा, मुजान सबको इंफिनिटी कासल में समन कर लेगा, बट इंफिनिटी कासल में इस बार अकाजा नहीं है बट डीमन के पास भी तीन डीमंस एक्स्ट्रा है, हांतेंगू, तारो और ग्योको, जिन्हें हैंडल करेंगे हमारे एक्स्ट्रा टू हाशिराज, क्योंकि अकाजा नहीं है तो ग्यो फ्री है, और रेनगोकू जो हमारा शायद मुगान ट्रेन में मरा ही नहीं था। जहां तांजीरो इस बार कोकुशिबो को हराने में मदद करेगा, और काफी हाशिराज जो उसमें मरे थे या घायल हुए थे वो नहीं होगा, कोकुशिबो आसानी से हार जाएगा। जिसके बाद फाइनल फाइट में बहुत सारे हाशिराज को डीमन स्लेयर मार्क ऑब्टेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और मुजान बहुत आसानी से हार जाएगा, काफी आसानी से नहीं हारेगा, बट हां क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर वर्जन है हमारा तांजीरो का, नेजुको भी हमारी वाटर ब्रीदिंग करती है, हमारे पास रेनगोकू है, और दूसरे हाशिराज जिनके हाथ पैर कटे होने चाहिए थे पर
नहीं कटे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है मुजान इस चीज को सरवाइव कर पाएगा? ये चीज डिसाइड करने वाले तुम हो, तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और जहां तक बात रही थ्योरी नंबर 2 की, जिसके अंदर नेजुको तांजीरो को लेकर गांव की तरफ निकल जाएगी, वो कभी ग्यू से मिलेगी ही नहीं, बट होश में आने के बाद तांजीरो नेजुको को कभी डीमन स्लेयर बनने देगा ही नहीं। वो चाहेगा उसकी बहन एक नॉर्मल लाइफ जिए और वो डीमंस को मारने अकेला ही निकल जाएगा, जिसके बाद की स्टोरी तुम्हें मिल जाएगी हमारी दूसरी वीडियो में, इफ तांजीरो वाज अ डीमन। और तुम लोग मेरा डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां मैं लोगों से डिस्कस करता हूं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए और अलग अलग एनिमे की बातें करता हूं। और हाँ, मेरी साइतामा वर्सेस कॉस्मिक गोरो वाली लेटेस्ट वीडियो भी चेक कर सकते हो, जो बहुत ही प्यारी बनी है। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, हास्ता ला विस्ता।